अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एसईओ मास्टरी कोर्स के तीसरे हफ्ते की पहली क्लास में आपका इस्तकबाल है। तो आज हम देखेंगे गूगल सर्च कंसोल के बारे में। तो पहला काम आप क्या करेंगे, गूगल सर्च कंसोल गूगल पर टाइप करेंगे। टाइप करने पर आपको यहां पर गूगल सर्च कंसोल मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है स्टार्ट नाउ कर जो है आप स्टार्ट कर लेंगे। उसके लिए आपको डोमेन नेम आपका देना पड़ेगा। मैं मेरा जो डोमेन नेम है, अब उसके बाद आपको यहां पर डोमेन नेम देना रहेगा। डोमेन नेम देने के लिए मैं मेरी वेबसाइट को जाकर उसका पूरा लिंक कॉपी करूंगा, ठीक है ना। आप वेबसाइट को आपके पूरा लोड होने के बाद आप लिंक कॉपी कर यहां पर पूरा HTTPS के साथ डोमेन नेम देंगे। बात समझ में आई, HTTPS के साथ डोमेन नेम देंगे, खाली example.com नहीं देंगे। फिर कंटिन्यू दबाइए। अब वो वेरिफिकेशन चेक करेगा। अब वेरिफिकेशन चेक करने के लिए दो तीन मेथड यहां पर हैं। पहला मेथड है कि डाउनलोड दी फाइल, फाइल को डाउनलोड करेंगे, फिर आपके होस्ट रेंजर का जो फाइल मैनेजर है वहां पर जाकर जो है आप उसको अपलोड करेंगे। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, HTML टैग वो देगा, यानी ये टैग होगा, इसको आप कॉपी कर जो है अपनी वेबसाइट के हेड में, वेबसाइट का जो हेड होता है कोडिंग अगर आप करेंगे तो जो हेड डिपार्टमेंट होता है वहां पर रखेंगे। तीसरा मेथड क्या है, गूगल एनालिटिक्स में जो है से आपको लिंक करने का रहेगा, कि गूगल एनालिटिक्स का तो अभी हम अकाउंट नहीं बनाए, तो उसके साथ का एक मेथड रहेगा। और एक गूगल टैग मैनेजर का मेथड रहेगा, और एक जो है डोमेन नेम प्रोवाइडर का आप यहाँ नाम लिखेंगे तो जो है उसके पास जो है कॉपी ए टेक्स्ट रिकॉर्ड बिलो इन टू दी DNS, तो ये DNS बोल के हमारे पास रहता है। अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग में जाएंगे तो वहां पर DNS का रहता है, ये कॉपी कर वहां ले जाकर पेस्ट कर देंगे तो भी हो जाएगा। क्योंकि हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो सबसे आसान तरीका है कि आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लिया। अब आप आपके डैशबोर्ड पर आए। डैशबोर्ड पर आने के बाद प्लगइन्स में जाएं और ऐड न्यू प्लगइन करें। एक आपकी प्लगइन होती है, ये प्लगइन HFCM के नाम से होती है, आप हेडर फूटर कोड मैनेजर होता है। तो ये अच्छी प्लगइन है कि आपको बास चीजों को जो है आपके हेडर में डालना रहता, बास चीजों को फूटर में डालना रहता। आप कोड को एडिट नहीं कर सकते क्योंकि हमको कोडिंग आती नहीं, करेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको ही वो मदद कर देगी। इसको एक्टिवेट कर लें, हेडर फूडर फूटर कोड मैनेजर प्लगइन एक्टिवेट हो गई। आप आकर यहां पर एड न्यू स्निपेट लिखिए। दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है। स्निपेट नेम कहकर आप ये गूगल सर्च कंसोल मालूम रहना ना, कि ये कोड को अगर आपको कभी एडिट करना है, कभी चेंज करना है तो उसका नाम लिख देंगे तो उसका कोड समझ जाते हैं। HTML है, जावास्क्रिप्ट है, यहां देख लो आके HTML है, ठीक है ना। HTML टैग बोल के खुद दे दिया ना, HTML है, पूरी साइट पे होना होना। हेडर लोकेशन क्या है, हेडर है फुटर है, हेडर है, हर डिवाइस पे शो करना, हाँ। तो इसमें तो एडिटिंग का कुछ भी नहीं रहता। इसको आके आप यहाँ पेस्ट कर दिए, पेस्ट करने के बाद यहां पर सेव कर दिया, ठीक है। अब आइए आपके गूगल सर्च कंसोल पे। अब यहां पर वेरीफाई दबाइए। ओनरशिप वेरीफाइड कि आप इसके प्रॉपर्टी के ओनर हो गए। अब यहां पर आपका वेलकम टू सर्च कंसोल, सी हाउ यू आर परफॉर्मिंग ऑन गूगल सर्च, डिस्कवर एंड न्यूज, लर्न हाउ टू गेट द मोस्ट सर्च स्टार्ट। अब ये यहां पर आपको सजेशन देगा, मैं खुद मोटी मोटी बातें आपको यहां पर बता दूंगा। ये ओवरव्यू है आपकी साइट का, पूरा ओवरव्यू देगा। एक सेकंड रुक जाएं। चलिए तो सॉरी,
ओवरव्यू में 13,000 बता रहा ना यहां पर। चलो भाई, ओवरव्यू में क्या देगा कि आपको जो है आपकी वेबसाइट का यहाँ परफॉर्मेंस बता देगा, ये 3 महीने का परफॉर्मेंस है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो इंडेक्सिंग के इश्यूज बता देगा कि आपके कितने पेज इंडेक्स हुए हैं, कितने पेज इंडेक्स नहीं हुए हैं। उसके बाद जो है नीचे आएंगे तो आपकी वेबसाइट के पेज का एक्सपीरियंस बता देगा कि क्या एक्सपीरियंस है, और नीचे आएंगे तो क्या एनहेंसमेंट करना है वो बता देगा। तो सबसे अहम चीज़ क्या होती है, हमको ये परफॉर्मेंस देखना होता है। या तो यहाँ पर फुल रिपोर्ट क्लिक कर दो या यहाँ पर सर्च रिजल्ट क्लिक कर दो। आपको ये लास्ट 3 मंथ्स का बता रहा है। अगर आप आखिरी 1 साल पुराना देखना जा रहे हैं, टोटल 1 साल का, तो आपको यहां पर बता देगा कि 2.78 मिलियन जो है इंप्रेशन है और 54,000 क्लिक्स हैं। एवरेज सीटीआर, सीटीआर कहते हैं क्लिक थ्रू रेट, के कितने इंप्रेशंस पे क्लिक हुआ एक एवरेज। इट इज द परसेंटेज ऑफ इंप्रेशंस दैट रिजल्टेड इन ए क्लिक। तो 2 से लेके 3 तक का जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है ना, क्योंकि हर इंप्रेशन पर क्लिक नहीं आता, 2% 3% ही होता है। वेबसाइट की एवरेज पोजीशन क्या है, 11.8, यानी बस 1 पे हैं, बस 35 पे हैं, बस 12 पर हैं। तो पूरों का जैसा हम एवरेज औसत निकालते हैं रिजल्ट्स में, वैसे ही आपकी पोजीशन का या एवरेज होगा। अब आप यहां पर थोड़ा नीचे आए तो यहां पर क्वेरीज बताएगा कि गूगल में कौन से क्वेरीज हैं जिसको ढूंढ कर लास्ट ईयर में आपकी पब्लिक आई। तो एक क्वेरी है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंटिस्ट हु डेवलप द एटॉमिक थ्योरीज, ठीक है। इस पे मेरे को 2000 इंप्रेशन आए और 771 क्लिक आए। उसके बाद रमादान टाइम टेबल 2022 हैदराबाद, इस पे मुझे 7000 इंप्रेशंस आए और 600 क्लिक्स आए। हैदराबाद रमादान टाइम टेबल 4900, यानी तकरीबन 5000 इंप्रेशंस हुए और 580 क्लिक हुए। देखो दोनों कीवर्ड बदल गए, दोनों भी रमजान का टाइम टेबल है। किसी ने ऐसा सर्च किया, किसी ने ऐसा सर्च किया, और किसी ने ऐसा सर्च किया, और ये आखिरी में किसी ने ऐसा सर्च किया। बात समझ में आई कि ये अलग अलग कीवर्ड हो गए, बात एक ही है लेकिन कीवर्ड बदल गया। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ स्फेरिकल मिरर्स 7800 इंप्रेशन है और 519 क्लिक से। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट ये रहता था, वही मेरी साइट के यूआरएल का जो इश्यू आप लोगों को बताया हूँ, उसके बाद ये नीचे हो गया। टीटा सिंबल इनवर्ट फिर भी जो है 8000 इंप्रेशन है और 457 क्लिक से। अगर आप देखना चाहें तो कौन से पेजेस आपके टॉप के हैं आपकी वेबसाइट के, तो वो भी ये बता देगा। रमजान टाइम टेबल का पेज मेरा सबसे टॉप का है, 4,09,671 इंप्रेशंस आए हैं और 6,400 क्लिक्स आए। उसके बाद हाउ टू टाइप टीटा इन एमएस वर्ड, 1,74,000 इंप्रेशंस है, 4,000 क्लिक्स हैं, ठीक है। इसी तरह आप नीचे देख लो किस कंट्री से पब्लिक ज्यादा आई, तो इंडिया से जो है इंप्रेशंस मेरे को जो है 20 लाख इंप्रेशंस आए, 45,000 46,000 क्लिक्स आए। उसके बाद सेकेंड कंट्री है 1,40,000 के साथ यूएसए, उसके बाद पाकिस्तान है, यूके हैं। तो वो हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं। डिवाइसेस भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि कौन से डिवाइसेस से आपको ट्रैफिक ज़्यादा आई। नहीं, मोबाइल से जो है 21 लाख इंप्रेशंस आए हैं, 45,000 46,000 क्लिक आए हैं, और डेस्कटॉप से 57 लाख 5,77,000 और टैबलेट से 24,000। उसके बाद ये सर्च अपियरेंस है, एएमपी मालूम आपको, इसका फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूं, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। जैसे मैं आपको यहां बताता हूं, आप जो है हाउ टू टाइप टीटा जो है फोन में खुद खोलिए, थोड़ी देर के बाद आप फोन में खोलेंगे हाउ टू टाइप टीटा, आप क्या करेंगे भाई, 1 सेकेंड, बराबर बराबर, हाँ, हाउ टू टाइप टीटा आप फोन में खोलेंगे तो एक गूगल का जो है एएमपी वर्जन आता है। यानी उन्हें क्या करता है, अपनी साइट का जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है मोबाइल के हाथ से वो फॉर्म निकाल देता है।
तो आपकी वेबसाइट अलग होती है, तो वो कैसा आता है मालूम? एक सेकेंड, आप लोग थोड़ा फोन ले लो हाथ में और गूगल ओपन करो और आप लिखो हाउ टू टाइप टीटा इन एमएस वर्ड। तो आप देखेंगे, मैं यहाँ फोन पर आपको बता रहा हूँ, आपको जो होगा ना आखिरी में जो है ऑब्लिक एएमपी बोलकर आएगा। आखिरी में क्या आएगा? ऑब्लिक एएमपी। आखिरी में क्या आएगा? ऑब्लिक एएमपी। तो मोबाइल फोन के लिए सहूलत से तेजी से लोड होने वाला, जिसमें ज्यादा कोडिंग ना हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है गूगल क्या करता है, लोड कर कर दे देता है। तो सर्च एम्पीरियंस में जो है इस तरीके के जो है आपके रिजल्ट्स आए हैं। उसके बाद डेट्स 14 दिसंबर को कितने आए, 13 दिसंबर को कितने आए, 12 दिसंबर को कितने आए, तो हर डेट के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गूगल से आपकी वेबसाइट को कितनी ट्रैफिक आई। ठीक है, एक तो हो गया ये क्लिक्स और इम्प्रेशंस। अब मैं एवरेज पोजीशन को साथ में ले लूं और मैं थोड़ा क्लिक्स को हटा दूं। अब यहाँ नीचे आइए क्वेरीज में, अब मैं क्या करता हूँ, पोजीशन के हिसाब से सॉर्ट आउट कर देता हूँ। अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में पोजीशन के हिसाब से हो जाएगा। अगर यहाँ इंप्रेशंस को क्लिक कर देंगे तो सबसे ज़्यादा मेरे इंप्रेशंस आए हैं रमदान टाइम टेबल 2022 पे, 91,000 इंप्रेशंस आए हैं। और क्लिक्स कितने हैं? 4.4, सॉरी पोजिशन क्या है? 4.4। आप इसको क्लिक करेंगे, अभी मैंने क्लिक किया है, तो इसका और डिटेल में आपको बात मिलेगी। एवरेज सीटीआर क्या है? 0.1% है, क्योंकि ये टाइम टेबल जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह भी छापते हैं और बहुत सी जो है इसके रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं वो छापती हैं, तो उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट अगरचे फोर्थ पोजीशन पर है, लेकिन फिर भी क्या है, क्लिक्स हमारे जो है इंप्रेशन के मुकाबले में कम है। तो देखो आप, ये ऑरेंज कलर के जो है ये एवरेज पोजिशन है, और यहाँ देखो एवरेज पोजिशन जो है आप अगर इधर रखेंगे तो पोजिशन यहाँ क्या थी, 14.2 थी, इम्प्रेशंस जो है ये थे ब्लू कलर जो है ये हमारा इम्प्रेशन का है, क्योंकि साल के शुरू में चल जाएंगे तो आर्टिकल तो जो है शुरुआत में नहीं था, जैसे जैसा बढ़ेगा। ये जो जहां पर ये बूम पीरियड दिख रहा है आपको, ये रमजान के महीने का टाइम था, इसलिए जो है ये रमजान के पहले अशरे में जो है इम्प्रेशंस 23,000 1,400 ऐसा बढ़ गए थे और पोजिशन जो है 5.6 थी। बैक आइए, एवरेज सीटीआर भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद जो है, एक सेकेंड उसको लोड होने दें, ये डिस्कवर होता है। डिस्कवर में क्या होता, आपका जो फोन होता है गूगल, गूगल का एंड्रॉयड का जो गूगल होता है, आप उसको ओपन करेंगे तो बस आपको जो है आपकी पुरानी सर्च के हिसाब से बस टॉपिक्स पर जो है आपको लिंक्स आते हैं। आप अच्छा दिखा तो क्लिक कर कर पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पर हमको डिस्कवर में बताता है। बीच में जो है मेरी रेगुलर पोस्टिंग इस वेबसाइट पर होने पर, क्योंकि ये वेबसाइट डायरेक्टरी है तो कोई भी जो है इसको डिस्कवर में नहीं देखते हैं, न्यूज़ पेजेस जो होते हैं या जो कंटेंट के होते हैं वो डिस्कवर में आता है, तो अगर डिस्कवर में आ गया तो यहाँ आपको बता देगा। उसके बाद पेजेस है, इंडेक्सिंग। देखो पहली क्लास में मैं आपको बताया था कि सर्च इंजन जो होता है सॉरी क्रॉल करता है, यानी आपकी वेबसाइट और गूगल पर जितने भी वेबसाइट्स के लिंक हैं उनको विजिट करता है, और उसके बाद विजिट करने के बाद उनको लाकर जो है जैसे लाइब्रेरियन किताबों को जमाता है, वो अपने पास इंडेक्स कर लेता है। उसके बाद जो है जो अच्छा होता है उसको गूगल में ऊपर रैंक करता है। तो क्रॉलिंग होती है,
फिर इंडेक्सिंग होती है, देन रैंकिंग होती है। तो आपका पेज इंडेक्स है नहीं है, तो मेरे जो है 4.29,000 पेजेस इंडेक्स है और 16,000 और 17,000 कह लीजिए वो इंडेक्स नहीं है। ये आपको डेटा हर जगह मिलेगा कि जो है कि बहुत से पेजेस इंडेक्स नहीं होंगे। तो ये इंडेक्स क्यों नहीं होंगे, यहाँ पर बहुत से रीजंस उसके लिखे हुए हैं, फिलहाल हम उन रीजंस की तरफ नहीं जाएंगे, मैं बात बताता हूँ, ठीक है। इस पर आइए, अब जब आप जो है मेरी वेबसाइट पर आएंगे, bajraionline.com, यहां पर देखो अफेक्टेड पेजेस, इतने पेजेस अफेक्टेड है। देखो अब यहां पर जो है इकबाल कैफे मीरालम मंडी, ये पेज इंडेक्स नहीं है, कई को इंडेक्स नहीं है, ये एएमपी का पेज है ना, गूगल ने किसी दूसरे पेज को इंडेक्स कर लिया है, उसकी वजह से अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग इंडेक्स। आप इधर आइए, दिस पेज इज ए डुप्लीकेट ऑफ एनदर, दिस पेज इज मार्क्ड एज एन अल्टरनेट ऑफ एनदर पेज, दैट इज एन एएमपी विद ए डेस्कटॉप कैनोनिकल और ए मोबाइल वर्जन और द डेस्कटॉप वर्जन। तो होता क्या है कि मेरे जो है ये एएमपी का है, देखो भाई अभी बोला ना मैं कि एएमपी का, और अगर मेरे को इसका नॉर्मल देखना है आप ऐसा क्लिक कर दो, ये नॉर्मल पेज है, तो ये लोड होने थोड़ा टाइम लेगा, इसलिए गूगल क्या करता है एएमपी वर्जन को इस्तेमाल कर एक सिंपल फॉर्म में जो है ज्यादा कोडिंग, ज्यादा कलरिंग, ज्यादा जावा स्क्रिप्ट, जावा सी, ज्यादा सीएसई के बगैर ले लेता है। अब मेरा ये पेज लिंक है और ये एएमपी वाला पेज लिंक नहीं है, इसकी वजह से आपको बताता है कि आपके जो इंडेक्सिंग के पेजेस हैं वो इतने बहुत से पेजा इंडेक्स नहीं हुए, एक रीजन ये है। जैसे जैसे आप ये आपकी वेबसाइट के इंडेक्स करते जाएंगे तो आपको इंडेक्स और नॉट इंडेक्स के पेजेस बढ़ते जाएंगे। अब जैसा जो है मेरी यहाँ लिस्टिंग में मैं आ गया, लिस्टिंग में आने के बाद मैं ये वसव कौन सा क्लिक हुआ थी, हयात जूनियर कॉलेज शाली पंडे को क्लिक किया, तो हयात जूनियर कॉलेज अगर कोई ढूंढेंगे गूगल पे आइए, हयात जूनियर कॉलेज हैदराबाद, ठीक है मैं ये सर्च किया हूँ, एक तो उनकी वेबसाइट आ गई, उनका फेसबुक पेज आ गया, ट्विटर पेज आ गया, हयात के नाम के बहुत से हैं, ये आ गए। यहाँ पर मेरी वेबसाइट अभी तक नहीं दिखी क्योंकि ये रिसेंट लिस्टिंग है और हयात नाम के बहुत से हैं, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, तो मैं शालीबंडा लगा देता हूँ, देखो यहां पर मेरी वेबसाइट आ गई। एक दूसरा क्या होता है मालूम, उसके साथ साथ जो है यहां लास्ट में जो है टैग्स आते हैं, ये टैग है, ये टैग का नाम भी क्या है, हयात जूनियर कॉलेज है, ये भी हयात जूनियर कॉलेज को बता रहा है और इससे पहले की लिंक भी हयात जूनियर कॉलेज को बता रही है। तो गूगल क्या करता है, इन दोनों में से एक को लिस्ट कर लेता है, दूसरे को नॉट इंडेक्स में रख देता है। तो इसका वही होता है कि नॉट इंडेक्स में आपके टैग के साथ, कैटेगरीज के साथ, और इसी तरह जो है आपके क्या होता है दिसंबर में इतने पोस्ट करे आप तो उसमें हयात जूनियर कॉलेज का नाम आया तो वो दिसंबर की डायरेक्टरी में भी आपका नाम आ जाता। तो इस हिसाब से जो है गूगल एक को लेता है, उसके अलावा जितने 10-15 लोग आए हैं उनको रिजेक्ट कर देता है, तो इसलिए ये आपको इंडेक्स नॉट इंडेक्स के इश्यूज आते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साइट मैप्स, ठीक है ना। तो अब साइट मैप आपको सबमिट करना पड़ता है, एक सेकंड मैं रोकता हूं यहां पर, ठीक है। आप क्या करेंगे साइट मैप के लिए, ऑल इन वन एसईओ या योस्ट जो होते हैं या पॉपुलर पर क्लिक करें, उन लोगों को बता देगा क्योंकि वर्डप्रेस के पॉपुलर प्लगइन्स में से देखो योस्ट सेकंड नंबर पर है। मैं इसको इंस्टॉल करूंगा,
और एक्टिवेट करूंगा। चलिए तो यहां पर हमारा यूज्ड का कॉलम आ गया डैशबोर्ड में, ठीक है। अब देखो जनरल में आ जाओ, फीचर्स इंटीग्रेशन, फीचर्स में नीचे आ जाओ, एक्सएमएल साइट मैप्स क्या है, ऑन है ना, ऑफ नहीं करना इसको, ऑन रखना। सर्च अपीयरेंस पे क्लिक करो, तो आपकी वेबसाइट कैसी दिखना है यहां पर आप ये चीजें यहां पर फिल करेंगे। कंटेंट टाइप देखिए, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, वेब पेज का कौन सा फॉर्मेट होना है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ टूल्स पर क्लिक करो, तो खैर ये तो टूल्स, ये सोशल पर क्लिक करो, आपकी फेसबुक की आईडी, आपकी ट्विटर की आईडी आपको यहाँ पर ऐड करेंगे, उससे भी आपको सहूलत मिल जाती है। इंटीग्रेशंस पर क्लिक करो, तो ये जो है सेमरश जो है सर्च इंजन के बारे में जो है एक अहम टूल है, तो ये भी पेड होता है, उसके साथ आप जो है ये इंटीग्रेट होता है, तो आप बाज़ वक़्त कीवर्ड रिसर्च करते वक्त सेमरश की मदद ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मेरी वेबसाइट का नाम लिखूँगा और ऑब्लिक डालकर साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखूँगा। तो देखो योस्ट ने जो है मेरी वेबसाइट का साइट मैप बना दिया। अब मैं ये क्या करूंगा, मैं अपने पास यहां पर आऊंगा गूगल सर्च कंसोल में और साइट मैप्स पर क्लिक करूंगा, और मैं यहां पर जो उसका यूआरएल है, मेरा यूआरएल ये है, फिर उसे खुद देख लेंगे। देखो साइट मैप इंडेक्स ये है, मैं यहां पर आऊंगा और ये आखिरी का डालकर ये सबमिट कर दूंगा। ये सबमिट करना है कि हम गूगल को बता दिए प्रोसेस सक्सेस, हमने गूगल को बता दिया कि भाई मेरी वेबसाइट है। पहले हम गूगल सर्च कंसोल में प्रॉपर्टी बनाते कि हम बोले कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको देख लो, और यहां पर आकर हम साइट मैप सबमिट कर दिए, तब गूगल इसको स्टेटस क्या करेगा, फेच करेगा, टाइम लगेगा फेच। भाई ये जो आपने पूरा प्रोसेस किया ना, ये तो स्क्रीन में कोई दिखाई, अरे स्क्रीन शेयर का डब्बा ऑन है और मैं शेयर नहीं किया हूं। आपने पूरा बताया ना योस्ट का, वहां से लेके अब तक का कुछ भी। अब थोड़ा जल्दी बता दें, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने में बाज़ वक़्त ये हो जाए। नहीं तो योस्ट इंस्टॉलेशन तो आपको मालूम था ना, वो वहां तक तो आपने बताया, समझ में आ गया क्या कर। हाँ आप जनरल में आए और ये चीजों को चेक किए, हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं किए, उसके बाद इंटीग्रेशंस में आकर देखे कि ये क्या क्या इंटीग्रेशंस है, और उसके बाद सर्च अपीयरेंस में आए हैं और सर्च अपीयरेंस में जो है इसके भी चीज़ों को हमने देखा कि सर्च अपीयरेंस में हमारी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करें मालूम, कि हम आए हैं और अपनी वेबसाइट के नाम के आगे जाकर मैं जो किया हूँ ऑब्लिक डालकर साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखा हूँ, सॉरी राइटिंग मिस्टेक हो गई। ये तो मेरी एक्सवाइजेड साइट है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ था। अच्छा। तो उस पर क्योंकि मैं अभी ये नहीं बनाया हूँ तो प्रैक्टिस के लिए उसको ले लिया हूँ। तो आपका ये जो साइट मैप डॉट एक्सएमएल लिखेंगे तो योस्ट वाले का जो साइट मैप है वो दे देगा। अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी वेबसाइट का पूरा बता देगा। आप ये पोस्ट पर क्लिक कर दो, आपकी वेबसाइट पर कितने पोस्ट हैं पूरा, गूगल को क्रॉल करने आसान होगा, समझे जाके पे। गूगल को क्या होगा कि इसकी वेबसाइट पे ये पोस्ट क्या से जाना है, तो ये लिंक पे चले जाओ पूरे पोस्ट मिल जाएंगे, ये लिंक पे चले जाओ पूरे पेजेस मिल जाएंगे, यहाँ पर पूरी कैटेगरीज मिल जाएंगी, यहाँ पर पूरे ऑथर के नेम्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पर पूरा मिल जाएगा वो साइट मैप। आप जो है आपके गूगल सर्च कंसोल के साइट मैप्स पर आएंगे और ये जो आखिरी का है
साइट मैप ऑब्लिक एक्सएमएल, उसको आप यहाँ कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सबमिट दबा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये अपने साइट मैप को ले लिया। तो अब आपने गूगल को दे दिया कि भाई मेरी ये वेबसाइट है, आप इसको जो है देखते रहो, कुछ भी नई पोस्ट होगी मेरी अपडेट यहाँ पर आ जाएगी साइट मैप पर, उस साइट मैप के जरिए जो है आप मेरी वेबसाइट के डेटा को अपनी वेब गूगल पर बताते रहना। बराबर, मुझे तो भाई पूरा वीडियो फिर से देखना पड़ेगा, तो मुझे नहीं, ये तो पूरी नई चीज, नई नई, हाँ है तो नई चीज ना, और ये अहम है। देखो आपको जो है गूगल सर्च कंसोल का ही रिजल्ट हर जगह चलता है, आप एसईओ में कितनी तरक्की किए हैं क्या है, तो वो जेटपैक का रिजल्ट नहीं बताते, गूगल सर्च कंसोल GSC शॉर्ट फॉर्म लिखकर ही बताया जाता है। ठीक है, और ये डेटा जिस जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसी के पास होता है, उसके अलावा किसी के पास नहीं होता है। आप लिंक्डइन पर देख लेना, कहीं पर भी देख लेना, जो लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं इसी का स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि स्टार्टिंग में जो है इतने विजिट्स से अब इतने विजिट्स हो गए। और मुबशिर भाई हैं जी? जी जी, चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट गूगल का इंस्टॉल कर दिया सर पूरा? नहीं नहीं एनालिटिक्स भी है ना, उसमें उसमें फर्क क्या है एनालिटिक्स में? और अभी आ जाएगा एनालिटिक्स में, शुरू कर रहा हूँ। तो आप गूगल पर स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा ये चीज? जी जी हाँ, गूगल एनालिटिक्स लिखेंगे तो ये गूगल एनालिटिक्स की आपकी वेबसाइट आ गई। कंसोल और एनालिटिक्स अपने को अपना वेबसाइट का इंफॉर्मेशन सब रहता है उसमें? हाँ, गूगल सर्च कंसोल में आपने जब अपनी वेबसाइट दी तो आपने गूगल को कह दिया कि भाई ये मेरी वेबसाइट है, थोड़ा अब इसको एनालाइज करना शुरू कर दो, आपके इंडेक्स करना शुरू कर दो। अच्छा, और एक चीज बताना है, एक सेकेंड, इस बीमारी का योर एंटायर स्क्रीन, नहीं मैं पूरे अपना एंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूं, तो अब मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो ये मुझे फॉलो करेगा। ठीक है, सर्च कंसोल दिख रहा है ना, बाजरे का दिख रहा है ना? बराबर, देखो अब जब आप कौन सी भी पोस्ट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर यही हयात कॉलेज की मेरी पोस्ट है, उसका लिंक मैं कॉपी कर लिया हूं, और यहां इंस्पेक्ट दिख रहा है ऊपर लिखे हुआ, इंस्पेक्ट एनी यूआरएल, आपको कैसे मालूम होगा कि मेरी वेबसाइट गूगल ने इंडेक्स की है या नहीं की है? जस्ट आप वो यूआरएल लाकर यहां पेस्ट कर देंगे और एंटर दबा देंगे तो गूगल क्या करेगा, आपके डेटा को रिट्रीव करेगा, और रिट्रीव कर बोलेगा कि आपका यूआरएल गूगल में है, अगर नहीं है तो जो है योर यूआरएल इज नॉट इन गूगल। यहां से आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर देंगे तो जो है गूगल क्या करेगा, एक मिनट लेगा, बताएगा एक दो तीन मिनट, एक मिनट में जो है वो आपका रिक्वेस्ट को ले लेगा, और फिर उसके 2 घंटे 4 घंटे के बाद देखना यहां पर आकर कि आपका यू आर एल इज ऑन गूगल बोलकर आ जाएगा। आमतौर पर क्या वही चीज ना जो उबर सजेस्ट में आप देख रहे थे सर्च करके मेरा वाला कि वहां पर आया नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, उबर सजेस्ट में मैं दूसरी चीज देख रहा था, उबर सजेस्ट में देख रहा था कि उसके पास जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइटर है, तो हम कुछ भी लिखकर उसको देंगे तो वो अपने पेज को एनालाइज करके बताएगा कि इस कीवर्ड पर आपका पेज है या नहीं है, समझे, तो वो चीज करेगा। तो ये आपका यूआरएल इज इन गूगल। इसमें क्या होता है, नॉर्मली गूगल जो है अपने तरीके से जब आपने सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट को सबमिट कर दिया है तो वो डेली जो है जो भी उसका प्रोसीजर है उसके हिसाब से क्रॉलिंग कर आपकी वेबसाइट के नए पेज पोस्टों को, नए पेजों को लिस्ट कर लेता है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि अपनी दरख्वास्त जल्दी से दें तो पोस्ट लिखने के बाद यहां पर आकर जो है आपके यूआरएल को पेस्ट कर देना, पेस्ट कर दिए तो वो बोलेगा कि आपका यूआरएल गूगल पे नहीं है, और यहां पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग दबा देना। बात समझ में? तो थोड़ा प्रायोरिटी में ऊपर चले जाएगा, आपकी फाइल को थोड़ा ढकले वैसा होता आगे, समझे ना?
अपन डाउनलोड कर लेंगे अपने को यूआरएल पे, हमारी वेबसाइट लिंक पेस्ट कर दे तो आ जाता ना सर। नहीं सर, सवाल शुरू में क्या बोले, आवाज नहीं है जी। ये गूगल में अपनी वेबसाइट डालने का जो तरीका आप ये बताए, अपनी वेबसाइट लिंक यहाँ के पेस्ट कर दिए तो हो जाता सर। हाँ, नई पोस्ट की जो भी लिंक होगी, मिसाल के तौर पर जाकिर भाई की ये पोस्ट है तो इसको कॉपी किया हूँ मैं और यहाँ लाकर डाल दूंगा। खैर लेगा नहीं, क्योंकि ये तो बाज रहे ऑनलाइन के बारे में ना, एरर दे देगा मेरे को। तो आप अपनी वेबसाइट लिंक एक बार फर्स्ट डोमेन नेम डाल दिए तो काफी नहीं है जब हर पोस्ट आगे पेस्ट करना पड़ता है आपको। नहीं जरूरी नहीं है, आप अगर थोड़ा जल्दी से रिजल्ट लाना चाह रहे हैं, थोड़ा उसको आगे ढकलना चाह रहे हैं फाइल को, गूगल तो अपने तरीके से, एक होता आप वेबसाइट सबमिट कर दिए तो वो अपने तरीके से क्रॉल कर कर जो है आपकी वेबसाइट के नए नए पेजों को, नए नए पोस्ट को ले लेगा। गूगल लिया नहीं लिया देखने के लिए आप आकर यहाँ पर देख लेंगे, कल पोस्ट करे थे जी। गूगल में आई नहीं आई देखने के लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे। बिंग और याहू का इन लोगों भी अपने इस तरह सिस्टम होगा। हाँ, बिंग और याहू तो कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं ना, तो बिंग मास्टर वेब मास्टर टूल्स भी है ना। बिंग का भी है, तो आप इस पे बिंग के जो है मास्टर टूल्स में लॉग इन करेंगे तो इसी के तरीके का है पूरा तकरीबन। अभी क्योंकि मेरे को पासवर्ड याद नहीं है तो मैं लॉग इन करूँगा तो जो है वो मुझे सताएगा, सताएगा कहे ओके, मैं लिखा हुआ होता है। चलिए इधर आ जाएंगे, यहाँ पर मेरा पासवर्ड सेव है, अगर यहाँ पर भी सताएगा तो आप खुद उसको चेक कर लेना, क्योंकि 90% सर्चेस गूगल से होती हैं, इसलिए ये लोग को उतना खातिर में इंसान लोग नहीं लाते हैं। लेकिन मेरा इस पे भी है वेब मास्टर टूल का अकाउंट। खैर जब तक ये लोड हो, जब तक हम आगे का देखेंगे, लोड हो गया तो वहां पर आकर मैं बता दूंगा। हाँ, तो उसके बाद हमारा दूसरा, हम कहाँ पर आए थे, एनालिटिक्स पे। अच्छा, एक सेकंड, एनालिटिक्स। तो स्टार्ट मेजरिंग, मैं क्योंकि चेक कर रहा हूँ तो इसका नाम चेकिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। इनको आप लोग पढ़कर जो है टिक कर लें या अनचेक कर लें, गूगल की सर्विसेज के नाम हैं, मैं फिर चेक कर रहा हूँ इसलिए चेक लिख रहा हूँ। और ये एनालिटिक्स है ना पेज भाई, हाँ, इंडिया आ गया। और करेंसी बोले तो जो है INR, इंडियन रुपी। नेक्स्ट कर लो, ये थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, आप क्यों एनालिटिक्स को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी एनालिटिक्स की आईडी बन गई, आप कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया लिख लें, और टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है आप पढ़कर जो है एक्सेप्ट कर लें और आई एक्सेप्ट यहाँ पर क्लिक कर लें। या दो हैं, ये छूट गया था तो देख लें, देखकर क्लिक कर लें। आपकी जो है गूगल एनालिटिक्स की आईडी बन गई। अब आपके क्या है, वेबसाइट है, ऐप है, वेबसाइट है, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल उसको देना पड़ेगा, तो मेरी वेबसाइट का यूआरएल जो है, सॉरी, www. ठीक है, स्ट्रीम नेम आप कुछ दे दें, चेक, ठीक है, मैं यहाँ चेकिंग कर रहा हूँ इसलिए चेक बोलकर दे दे रहा हूँ।
स्ट्रीम नेम ये है, स्ट्रीम यूआरएल ये है, स्ट्रीम आईडी ये है, और व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस। अभी डेटा कलेक्ट करना इन्होंने शुरू नहीं किया है। अब आपको जो है इंस्टॉल योर गूगल टैग, नहीं गूगल टैग आपको इंस्टॉल करना है। एक तो आप जो है नॉर्मली कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, एक मैन्युअली कर सकते हैं। मैन्युअली करना है तो क्या करना है, ये टैग को कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट पर HFCM पे आना है, एड न्यू स्निपेट करना है, गूगल एनालिटिक्स टैग करना है, ठीक है। और ये HTML नहीं है, JavaScript है, देख लो यहां पर। स्निपेट मतलब छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, और वो कोड को यहां पर लाके पेस्ट कर देके सेव कर देना है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूं, मैं आपको एक दूसरा शॉर्टकट तरीका बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये एक तरीका तो HFCM का देख लिए थे ना भाई। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मैं प्लगइन्स में आऊंगा और एड न्यू दबाऊंगा और मैं नाम लिखूंगा साइट किट बाई गूगल। आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ सजेशन में भी था, देखो यहाँ देखो साइट किट प्लगइन के जरिए भी आप कर सकते हैं। तो साइट किट बाई गूगल, ये देखो ये दिख रही है, ये प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है। नहीं, गूगल के जितने सर्विसेस है, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, एडसेंस, गूगल का पेज स्पीड, सब चीज़ें आ जाते हैं। तो मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ सर्च कंसोल वगैरह के लिए, लेकिन आपको दूसरे तरीके भी मालूम होना चाहिए, इसलिए वो तरीका मैं बताया हूँ, ठीक है ना। क्योंकि HFCM आपको दूसरे चीज़ों के काम में भी आता है, कहीं पर भी कुछ कोड आपको हेडर में डालना है तो आप HFCM को इस्तेमाल करेंगे। साइट किट एक्टिवेट हो गई, स्टार्ट सेटअप कर दो आप, यहाँ आ गया देखो साइट किट। कनेक्ट गूगल एनालिटिक्स, साइन इन विद गूगल, मेरा अकाउंट है ये, पूरे परमिशंस मैं आमतौर पर दे देता हूँ। यहाँ से हम लोग गूगल का जो कंसोल है वो भी यहाँ से कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी देखो वो फेच करेगा, यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड बोलकर दे दिया है, ये सर्च कंसोल के बारे में आ गया। आप जब वेबसाइट को इंस्टॉल, ये साइट किट इंस्टॉल करेंगे तो जो है आप गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल में ऑलरेडी एडिट है बोल के दिया दोगे यहाँ पर। अब सेटअप गूगल एनालिटिक्स, अब वो ऑटोमेटिकली जो है गूगल एनालिटिक्स को सेटअप कर लेगा, वो कोड लाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अकाउंट का नाम चेकिंग रखे थे ना, उसके बाद प्रॉपर्टी का नाम चेक रखे थे, कॉन्फ़िगर, एडिशनल परमिशंस रिक्वायर्ड, आप जितने दूसरे पेड सॉफ्टवेयर भी खरीदेंगे ना वो आपको चाहेंगे कि एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल की हमको परमिशन दो ताकि आपको हम डेटा अच्छे से बना बता सकें। ओके, अबे 24 घंटे 48 आवर्स लगेंगे कि उसको डेटा लेने के लिए। मीनवाइल हम आते हैं, ऑन कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर साइट किट है ना, यहाँ डैशबोर्ड में आ जाओ। चलिए ये क्योंकि मेरे दूसरे अकाउंट से है तो रिक्वेस्ट एक्सेसिबल के दे रहा है तो उसको तो छोड़ दीजिए। देखो सर्च ट्रैफिक ओवर 28 डेज, एक महीने में 217,000 इम्प्रेशन आए हैं, 4.1 क्लिक्स आए हैं,
तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक दे देगा, पूरा कंटेंट के बारे में दे देगा कि कौन सा कंटेंट चल रहा है, एडसेंस का अकाउंट आप कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पेज स्पीड भी दे देगा, टॉप सर्च क्वेरीज भी दे देगा, और ये पूरा ट्रेंड एक ब्रीफ डेटा आपको यहाँ पर साइट किट दे देगा। और डिटेल में जाना है तो यहाँ लिंक दे देगा, आप कंसोल में जाकर डिटेल में देख ले सकते हैं, एनालिटिक्स में जाकर डिटेल में देख सकते हैं। ये सवाल बोलिए है जब जी। ये अब जब से आप कंसोल और एनालिटिक्स बताए थे ना, अब वर्डप्रेस के अंदर जो साइट पे इंस्टॉल करे प्लगइन जी ये यूज कर लिए तो अपने को अलग से वो कंसोल एनालिटिक्स यूज करने की जरूरत नहीं रहती। नहीं, ये बस एक समरी बताएगा, पूरी डिटेल क्या से तो आपको सर्च कंसोल में जाना पड़ेगा। सर्च कंसोल से क्या करेगा, समरी लाके आपको बता देगा, एनालिटिक्स से समरी लाकर बता देगा। पूरी डिटेल जाना है तो आपको खुलासा उनके पास ही जाना पड़ेगा, हमारी मतलब खुलासा ना है खुलासा हो। और एज ए डिजिटल मार्केटर आपको जो है समरी से फायदा कुछ भी, एक आइडिया मिल जाएगा, लेकिन इन डिटेल लेकिन आप साइट के प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो रख लेना पड़ता हाँ आपको। रख लेना रख लेना, हर वक्त डिटेल की जरूरत नहीं। डेली डिटेल कहाँ देखेंगे, हफ्ते में औकत, महीने में औकत, जो है थोड़ा एनालिसिस करने जब बैठेंगे तो जब डिटेल में लेंगे। देखो भाई, गूगल सर्च कंसोल सॉरी एनालिटिक्स जो करता है आपको एक रियल टाइम डेटा देता है कि अभी क्या पोजीशन है। आप रियल टाइम के ओवरव्यू को क्लिक कर दो, लास्ट 5 मिनट में कोई भी नहीं है, ठीक है, उतनी बड़ी वेबसाइट नहीं है कि हर सेकंड पे है, तो रियल टाइम में कोई नहीं आए तो पूरा हर जगह जीरो रहेगा। बाज़ वक़्त ये होता है कि लास्ट टाइम 5 मिनट का होता है, तो हम क्या करेंगे, ऑडियंस में आएंगे, ठीक है, ऑडियंस का ओवरव्यू क्लिक कीजिए। ये ओवरव्यू बोलते ऑडियंस के कैटेगरी में जितने यहाँ के चीज़ें हैं वो पूरे ओवरव्यू आपको यहाँ दे देगा। ये लास्ट वन का देखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, अप्लाई। लास्ट वन का देखना चाह रहा हूं और पूरे महीने का देखना चाह रहा हूं, ठीक है। कुछ बड़ा डेटा रहा तो कुछ समझ में आता नहीं, यूजर्स इतने आए, नए यूजर्स इतने थे, इतने सेशंस हुए, नंबर ऑफ सेशंस पर यूजर इतने हुए, टोटल पेज व्यूज इतने हुए, ठीक है, एवरेज सेशन ड्यूरेशन 1 मिनट का था, बाउंस रेट ज्यादा है, बाउंस रेट कम रहना चाहिए। नहीं, मेरी वेबसाइट क्या है, खाली बस लिस्टिंग के बारे में बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस, तो उसका नॉर्मली बाउंस रेट ज्यादा ही रहेगा। अब कंट्री क्लिक करेंगे तो कंट्री के हिसाब से मिलेगा, सिटी क्लिक करेंगे तो सिटी के हिसाब से मिलेगा। सिटी के हिसाब से देख लो, हैदराबाद से 635 यूजर्स है, बेंगलुरु से 62 हैं, मुंबई लाहौर वगैरह ये तमाम जगहों से। आप ब्राउजर देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर देख सकते हैं। उसके बाद जो है आप डेमोग्राफिक्स में बोले तो कहाँ कहाँ के हैं, इंटरेस्ट पे क्लिक कीजिए, इंटरेस्ट का ओवरव्यू करिए, खैर बेगन ये ओवरव्यू जो है वो नहीं था। उसके बाद जो है ऑडियंस को मैं क्लोज करता हूँ। एक्विजिशन, आपका पब्लिक आ रही कहाँ से, ओवरव्यू दबाइए, देखो टॉप चैनल्स सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सर्च है 65%, फिर डायरेक्ट 22% है, रेफरल 84% है, और सोशल जो है बिल्कुल सोशल मीडिया से कम है। अब मैं यहाँ रेफरल को दबाया हूँ कि कौन सी दूसरी वेबसाइट से जो मुझे दे रही है, तो यही अपने एएमपी प्रोजेक्ट जो होता है उधर से एक आ रहा, yahoo.com की ये लिंक से आ रहा, बिंग से आ रहा, गूगल लेंस से आ रहा, प्राइवेसी वॉल बोल के एक वेबसाइट है वहां से आ रहा, ऑल अबाउट वर्डप्रेस मेरी वेबसाइट है वहां से आ रहा। तो आप बढ़ाइए इसको, तो यहाँ आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सी वेबसाइट आपकी वेबसाइट को लिंक कर रही है। WWC फाउंडेशन से आ रहा, इधर से इधर से इधर से आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद बिहेवियर में आइए, साइट का कंटेंट, एग्जिट पेजेस। एग्जिट पेजेस जो है कि वो कौन से पेजेस है जिससे पब्लिक आगे नहीं बढ़ रही, वहां से लेफ्ट कर दे रही है आपकी वेबसाइट को। तो हाउ टू टाइप टीटा से जो है 297 एग्जिट्स है, इससे 147 एग्जिट्स है, इससे 122 एग्जिट्स है। देखो ये बात जहन में रखो कि एग्जिट पेजेस जो होते हैं उस पर आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत होती है, लेकिन मेरी वेबसाइट की थीम समझो, मेरी ये वेबसाइट जो है वो ऐसी बड़ी कंटेंट की वेबसाइट नहीं है। यहाँ पर किसी यूज़र को जो है अगर कोई बुरखे की दुकान देखना है तो वो बुरखे की दुकान का नंबर मिल गया चले जाएगा, एमएस वर्ड में टीटा कैसा टाइप करना है वो देख लेगा उसके बाद चले जाएगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट कंटेंट की है तो आपके जो एग्जिट पेजेस हैं उस पर आपको मेहनत करनी है ताकि आदमी यहाँ से वापस ना जाए बल्कि ठहर के यहाँ पर पड़े। बात समझ में आ रही? एग्जिट पेजेस क्या होते हैं? आपके कमज़ोर पेजेस होते हैं, और मेरी ये वेबसाइट कुछ दूसरी तरीके की है तो इसमें एग्जिट पेजेस से मुझे उतना नुकसान नहीं है क्योंकि वो टॉपिक पे बंदा आया पढ़ा चला गया। लैंडिंग पेजेस बोले तो किस पेज पर पब्लिक आ रही है, गूगल से या रेफरल से कौन से पेज पर आ रही है। तो देखो ये भी यहाँ पर भी हाउ टू टाइप टीटा डोमिनेंस में है, तो ये पेज उन पर जो है पब्लिक मेरी आ रही है। कंटेंट ड्रिल डाउन, हाउ टू टाइप टीटा के 315 है, ये टैग के जो है 233 है, इसके इतने हैं, ये पूरा आपको जो है यूनिक व्यूज, एवरेज टाइम ऑन पेज, बाउंस रेट, एग्जिट, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पर बता देगा। अगर आपका कुछ गोल कन्वर्जन का है तो ये कन्वर्जन्स में वो बातें आ जाएंगी। तो ये आपका गूगल एनालिटिक्स है, तो आज ही जो है आपको गूगल सर्च कंसोल भी इंस्टॉल करना है और एनालिटिक्स भी इंस्टॉल करना है और काम करना शुरू कर देना है, क्योंकि अब ये लोग आपका डेटा लेना शुरू कर देंगे तो आपको गूगल का रिजल्ट भी मालूम होगा। तो यहाँ पर आज की क्लास को हम रोकते हैं, आपके कुछ सवाल थे तो लूँगा मैं, लेकिन क्लास यहाँ पर इख्तिताम होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।